इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। लोग घर बनाते हैं, कोई बुरा न लगाएगा, घर बनाते हैं, द्वारे पर न जाने का का लिख देते, हिरन की हड्डी लगा देंगे, बाघ का मूड़ी लगा देंगे, कैक्टस बो देंगे। अरे भाई, अरे दुनिया भर का तमाशा काहे बोते हो, कहीं रामे राम बो दे, ओमय लिख दो, नमश्चंडिकाय लिख दो, सीता राम लिख दो, ओम नमः शिवाय लिख दो। अरे भगवान का कोई चिन्ह बनाओ, पता चले भगत जी का घर है। इतना तमाशा क्यों नहीं जला? रामायुधजंकित गृह शोभावर्णिन जाय, नव तुलसिका वृंद देखि हरषि कबीरा। कुछ नहीं बिगड़े का तेरा, प्रभु शरण आने के बाद कुछ। रामायुध राम जी का, कन्हैया का, भोले बाबा का, घर किसका? भोले बाबा का। श्री राघव कृपा निवास, आहा। कोई जैन मुनि हैं, उनका एक स्लोगन आया है, घर बनाओ लिखो, माता पिता हो तो लिख दो मातृ छाया पितृ छाया, और पति पत्नी हो तो लिख दो पति छाया पत्नी छाया, जो रहे वो लिखो। भगवान की है मानते हो तो लिखो भगवान की छाया, प्रभु छाया, और तुम्हारे अपने चित्त की छाया है तो लिखो फिर चित्ती छाया, जो है सो लिखो। घर बोलेगा, साधु का घर साधु के भाव को प्रदर्शित करता है, दर्शन कराता है,
विभीषण जी महाराज के घर पर राम नाम अंकित है, ओंकार अंकित है, धनुष बाण ऊर्ध्वपुंड बने हैं, सो अग्निदेव गए नहीं भगवान का। जा रहा किसने? जा रहा अग्नि नारायण ने, जा रहा हनुमान जी ने नहीं जा रहा। भक्त का बाल बांका नहीं होता, भगत कहीं रहे कोई उसका हानि नहीं कर सकता। जो भगत है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब भगत है कि नहीं ये तो जीव की अपनी स्थिति के साथ सोचना होगा। हम भक्त हैं निश्चित मानिए हमारा बाल बांका, भगत होना ये अनिवार्य है। श्री हनुमान जी महाराज कैसे लंका में प्रवेश किए आप सबको स्मरण है। लंकनी से मिले, परिचय दिया, विभीषण जी से मिले, भेंट भया, संवाद स्थापित हुआ, फिर आगे माँ के सन्मुख पहुँचे। रावण ने संवाद बनाया, श्री हनुमान जी महाराज ने सब सुना, आवेश तो बहुत आया क्या कहे। फिर माँ के सन्मुख गए, मुद्रिका देने के बाद कथा सुनाई, समाचार पूछा माँ ने, बताए, चिंता मुक्त किया। हनुमान जी महाराज को लगा माँ को संदेह है, स्वरूप दर्शन कराया है, माँ को विश्वास भया, नीचे आए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर तो फल खाने लगे, फल खाना तो एक बहाना है, दूत के जो चार कार्य है, जिस लक्ष्य से गया है लक्ष्य का पता करे, उद्देश्य सिद्ध करे, एक न एक कमजोर नब्ज को पकड़े जिससे राजा पर विजय प्राप्त हो, सेना का थाह ले, कोष समझे, सुरक्षित वापस अपने स्वामी के पास आए, सब कुछ पता लगाकर वहीं फंस जाए तो समझदार दूत नहीं कहा जाता, सुरक्षित आए। श्री हनुमान जी महाराज पूछ बुझाई खोई श्रम धैर्य लघु रूप बहु, माँ के सन्मुख प्रणाम किए, माँ जैसे प्रभु ने मुझे दिया पहचान आप भी कुछ दीजिए। माँ ने चूड़ा मड़ी दी, श्री हनुमान जी ने हृदय से लगाया, सिर चढ़ाया, लेकर के चले। इस पार आए कपियों के साथ सुग्रीव जी के पास पहुंचे, मदबल के फल खाने लगे, रखवारे मना करते हैं मारते हैं, सुग्रीव जी के पास गए, मिले, कुशल सुनाई। सुग्रीव जी सबको लेकर भगवान की शरण में आए। और यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है, श्री हनुमान जी महाराज अपने मुख से नहीं, जामवंत जी श्री हनुमान जी का परिचय देते हैं, हम अपने मुंह से अपना पुण्य अपना तप कहेंगे तो पुण्य क्षीण होता है, हमारा पुण्य दूसरा बखाने, हमारी हानि नहीं होती। हम जो सत्कर्म कहते हैं वो सत्कर्म हमारे द्वारा कहा जाएगा तो वो क्षीण होगा, उसका फल क्षीण होगा, हमने कुछ भी किया हम न गाएं, दूसरा कहे तो हम कान बंद करें सुने नहीं। पुण्य एकत्र करने के लिए है, क्षीण करने के लिए। आपने सुना होगा कौन राजा थे जो ऊपर गए थे, त्रिशंकु। अच्छा चलिए, त्रिशंकु गए थे तो देवराज इंद्र ने पूछा, महाराज इतना बड़ा सौभाग्य है, क्या क्या किया आपने कि ऐसा बड़ा सौभाग्य मिला आपको? यही सावधान रहना है, अपने जो जो पुण्य कर्म थे सब बता गए, जैसे पुण्य क्षीण हुआ तो देवराज इंद्र ने धक्का दे दिया। इधर से ऋषि देव विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल से उनको फिर रोका, उधर से गिर पड़े। कहते हैं कि आज तक त्रिशंकु उल्टे लटके, हम पुण्य करें
और कहें तो हमारा पुण्य क्षीण होता है। पुण्य करके मौन रहना, कोई कहे तब भी नहीं सुनना। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, हनुमान जी ने भगवान के कहने पर भी नहीं कहा मैंने किया। यहां एक शिक्षा, कितनी अद्भुत शिक्षा है। बाबा जामोहन जी कहते हैं, हे प्रभु नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राण। हे प्रभु, हनुमान जी ने सब कार्य संपन्न किया। पहले प्रभु सबसे मिल लिए हैं, हनुमान जी महाराज ने काम किया, ऐसा सुनकर भगवान पुनः उनसे मिले। अब संवाद श्री हनुमान जी और प्रभु का हुआ है। मैं आपके चित्त को भटकाना नहीं चाहता, परंतु बिना मतलब में अटकाना भी नहीं चाहता, इसलिए कह देता हूं, ध्यान रखिएगा। सुंदरकांड हनुमान जी को प्रिय नहीं है, हनुमान जी के माता पिता को प्रिय है, श्री सीताराम जी को प्रिय है। क्यों? ऐसा कौन माता पिता है जो अपनी संतान की उपलब्धि देखकर सुनकर प्रसन्न नहीं होता? श्री सीताराम जी माता पिता हैं। श्री हनुमान जी की जब प्रशंसा सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं, और वो श्री सीताराम जी ऐसे भगत पर बड़ी करुणा बरसाते हैं, कृपा करते हैं, जो सुंदरकांड का दैनंदिन रूप से पाठ करता है। हनुमान जी को सुनाए दे रहे हैं, नहीं भगवान श्री सीताराम जी को सुनाओ। श्री सीताराम जी बड़े गदगद होते हैं, क्यों? इस कांड में, सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की बड़ी दिव्य प्रशंसा है। मां को प्रभु का, प्रभु को मां का श्री हनुमान जी ने संदेश दिया, और कितना सुंदर संदेश दिया है। मां को निर्भय कर दिया, अब ही मां तुम्हें जाव लवाई, प्रभु आयस नहीं राम तो सौगंध राम जी की। लौट के आए तो भगवान से क्या करते, कितिक बात प्रभु जात उधान की, रिपु जीत आने भी जान की। मां से कहते हैं, धीरज रखिए मां, मैं तो आपको स्वयं ले जाता, लेकिन आज्ञा नहीं, सौगंध है राम जी की, आज्ञा होती अब ही ले जाता। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है इन्हीं मार तो ही ले जाई है, इन्हीं मार निश्चर मार तो ही ले जाई। इनको मारने में क्या, ऐसे बताते जैसे कि पतिंगा पकड़ रहे हैं। ये क्या है, बड़ा से बड़ा कार्य हो, आप में आत्मबल हो, आत्मविश्वास है, तो आप जगत को जीत लाएंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।